वेलकम टू अग्रणी कोर्सेज दैट इज पावर्ड बाय केएसजी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे CHSL हो, MTS हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, व्यापम का हो या बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम है, इंग्लिश का एक फिक्स सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने। तो हम यहाँ पर आज सबसे पहले कोई बात को मीन्स यू नो दैट हम यहाँ वहाँ नहीं देखकर सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे काम करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कल आपको idiom एंड phrases से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे, तो आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस से आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरा मानना ये है कि अगर हम उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो पहले तो हम यहाँ देखें क्यों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे idioms एंड phrases के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कल मैंने आपको 1 to 30 क्वेश्चंस कराए थे, 1 to 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने साथ में किए थे, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो मैं आगे किस सीक्वेंस में बढ़ते हैं हम देखते हैं। हमने अभी तक क्वेश्चंस किए थे 1 to 50, अब 50 से नीचे आते जाएंगे, 50, 49, 48। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा है हमें, ये क्वेश्चन ईट हम्बल पाई। ठीक, ईट का मतलब क्या होता है? ईट का मतलब यू नो दैट ईट का मतलब तो खाना होता है, हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब विनम्रता होता है, पाई यू नो दैट पाई इज अ यू नो दैट डिश, एक पाई होता है जिसे हम ब्रेड से बना हुआ रहता है, खाना होता है। तो ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस, हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से हमें कौन सा ऑप्शन सही है उसे देखना है। पहला ऑप्शन देखता हूं मैं, तो मेरे सामने लिखा है टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, ठीक है, टू लिव अ लाइफ ह्यूमिलिटी, टू लिव इन पेनरी, टू अपोलोजाइज हम्बली, ईट इन हम्बल पाई। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ बच्चों? ईट इन हम्बल पाई का किसी से भी, ईट आगे लिखा है हम्बल पाई, जब नाराजगी बढ़ जाए उस नाराजगी को कम करने के लिए बड़े विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना, वी ऑलवेज डू इन अ होम, जब हमसे गुस्सा हो जाता है कोई तो हम उससे विनम्रता पूर्वक माफी मांगते हैं तो आगे सब कुछ सेटल हो जाता है, ज्यादा टेंशन बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पर टेंशन खत्म हो जाएगा। तो यहां मतलब क्या, ईट हम्बल पाई, द मीनिंग ऑफ ईट हम्बल पाई इज टू अपोलोजाइज हम्बली, विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग लेना। चलिए तो इसके बाद वाले अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। तो इसके पहले क्वेश्चन मेरे सामने आया, चलिए, द एंशियस ड्यूक वॉज फाउंड स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन टू एंड फ्रो, द एंशियस ड्यूक वॉज फाउंड स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन। अब ड्यूक का मतलब किंग हुआ, वो ऐसे स्ट्रॉलिंग कर रहा था, आगे जा रहा था पीछे जा रहा था, स्ट्रॉलिंग कर रहा था, तो उस स्ट्रॉलिंग करने को मैं क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसने, टू एंड फ्रो, स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन टू एंड फ्रो। अब मुझे यहां पर मीनिंग क्या बताना है स्टूडेंट्स, मुझे मीनिंग किस शब्द का, किस idiom का मुझे मीनिंग बताना है? मुझे यहां पर मीनिंग बताना है टू एंड फ्रो, इन दोनों शब्द का मीनिंग बताना है मुझे, टू एंड फ्रो का। तो हुआ क्या, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा। जरा दिमाग लगाइए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? डू इट फास्ट। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज द राइट आंसर। आप ऐसे लिखते जाइएगा, आप ऐसे लिखते जाइएगा, टू एंड फ्रो का आंसर क्या हुआ? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे जाना और पीछे जाना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, मेरा अगला क्वेश्चन मुझे क्या बता रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे सामने फिर से आया, ये द सेलर टेल्स अ ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब idiom क्या है यहां पर, मुझे किसका अर्थ बताना है? The sailor tells a great tales of adventure that you should take with a grain of salt. अब यहाँ में take with a grain of salt इसका meaning हमें बताना है। अब क्या options हमारे पास हैं? हम इन options को देखते हैं पहले, फिर हम उसके बाद जाएंगे कि answers क्या, answer क्या होना चाहिए। Take with a grain of salt, एक छोटा सा accept करना,
टू टेक टू सीरियसली, समझना, टू टेक टू सीरियसली, ध्यान से समझना, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इतना ज्यादा ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एक छोटे छोटे वाले नमक के एक एक कण से ज्यादा ग्रहण करना उस चीज को। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, नॉट टेक टू सीरियसली, ध्यान से समझना, नॉट टेक टू सीरियसली, इतना मतलब इतना सा भी उसे महत्व ना देना, इतना सा भी, जरा सा भी। तो आंसर क्या हुआ, नॉट टेक टू सीरियसली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करता हूं, मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आया, लॉसियो मार्बल, बड़ा प्यारा सा आइडियम है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है लॉसियो मार्बल। अब हम ध्यान करते हैं बचपन की अपनी अवस्थाओं को, कि जब बोलते अरे उसका दिमाग सटक गया है, उसका दिमाग खिसक गया है, अरे उसके साथ ये हो गया, तो जब हम बात करते हैं लॉसियो मार्बल, टू बी पेशेंट गलत है, टू लोअर डाउन एंगर गैंगर कम टू हैंडल स्ट्रेस, ना ना ना, टू गो इनसैन मतलब इनसैन हो गया है वो, उसका मतलब चटक गया वो, यू नो दैट चटक गया, सब स्लैंग काइंड ऑफ लैंग्वेज, यू नो स्लैंग, स्लैंग अपभाषा है। तो लॉस योर मार्बल, व्हेन आई हंग्री आई लॉस माय मार्बल, मैं मतलब पागल ही हो जाता हूँ जब मैं अब भूखा होता हूँ और मुझे कुछ खाना नहीं मिल रहा होता है। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, फिर इसके बाद आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ चीटिंग ऑन हिज पीएचडी वर्क द कैंडिडेट फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक एंड लॉस द अपॉर्चुनिटी। अब कोई बात समझने वाली ये है, आफ्टर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक चीटिंग करने के बाद, ठीक, ऑन हिज पीएचडी वर्क, पीएचडी वर्क में चीटिंग करने के बाद द कैंडिडेट फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक एंड लॉस द अपॉर्चुनिटी। फेस द म्यूजिक का मतलब, अगर आप मानिए मेरी बात को, धरती कैसी है, धरती तो बिल्कुल गोल है और धरती अपनी धुरी पे ऐसे 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 हो रहा है, लो आप जो भी करेंगे, एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जो आप करेंगे वो आपके साथ होना निश्चित है, वैसा ही आप फूल फेंकेंगे तो फूल लगेगा, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर लगेगा। तो यहाँ पर आप रॉन्ग करेंगे तो आपके साथ गलत ही होना है। तो बात ये क्या कह रहा है, फेस द म्यूजिक का मतलब टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। He had to face the music. If you are doing wrong, so you have to face the music. This is the fact. This is a universal fact. जो आप करोगे वो आपके साथ जरूर होगा। चलिए तो मैं अगले क्वेश्चन की बात चलता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन होना चाहिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग ले रहे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ एक क्वेश्चन आया, select the most appropriate option to complete the given sentence she raised a when she saw her luggage missing। ab dekh question ko bahut achhi tarike se samajhna, kya hota hai jab wo dekhti hai ki uska luggage chori ho gaya hai, kya hota hai jab wo dekhti hai ki uska luggage chori hua hai। we have four different option। hamara jo pehla option hai वो क्या है, ह्यू एंड क्राई, स्पिक एंड स्पैन, हैंड एंड फुट, विप एंड स्पॉर। अब बात ये समझ में आई, जब लगेज चालक हो जाएगा तो क्या होगा, वो जोर जोर से चीखेगा और चिल्लाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, जरा देखो। यस, योर आंसर इज राइट पूजा, ह्यू एंड क्राई इज द राइट आंसर, ह्यू एंड क्राई इज द राइट आंसर। चलिए तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मेरा टारगेट है आज के नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। अगले क्वेश्चन पे मैं गया, यहां क्वेश्चन आया, देखो आप, पहले स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। यहां स्टेटमेंट लिखा है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज यूज इडियम करेक्टली यूज हुआ है। इडियम क्या है, हम देखें यहां पर, रनीता वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर हिज जॉब एज शी गॉट कोल्ड फिट। अब देख, कोल्ड फिट एक idiom है, कोल्ड फिट, अब कोल्ड फिट सब जगह कोल्ड फिट आया। तो कोल्ड फिट का मतलब होता है एग्जैक्टली घबरा जाना। अब हम मीनिंग समझते हैं,
वन कैन स्विम इजिली विथ कोल्ड फीट, क्या हम घबरा के स्विम कर सकते हैं? देखो एलिमिनेशन को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एलिमिनेशन करके इसे कैंसिल कर दिया. आफ्टर टू मच साइकिलिंग अरुण गॉट कोल्ड फीट, साइकिलिंग चला के कोई कोल्ड फीट हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, ये भी गया. अब हमारे पास दो ऑप्शन गए, वॉकिंग बेयर फीट ऑन ग्रास गेव हिम कोल्ड फीट. मतलब ये बिल्कुल सेंसलेस सा एक शब्द दिख रहा है स्टेटमेंट, मतलब बेयर फीट नंगे पैर चलने से वो कोल्ड फीट हो गया. No? तो आंसर करेक्शन कहां पहुंचा? वॉकिंग बेयर फीट ऑन ग्रास गेव हिम कोल्ड फीट, तो बिल्कुल गलत. रनिता वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब एज शी गोट कोल्ड फीट. रनिता को वो जॉब नहीं मिली क्योंकि वो कोल्ड फीट हो गई, घबरा गई थी, तो दैट टाइम इंटरव्यू उसका जो रहा था वो फेल हो गई थी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोल्ड फीट का मतलब क्या हुआ? कोल्ड फीट का मतलब होता है घबरा जाना. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविस्ट इज वर्किंग रियली हार्ड एंड वॉज डिटरमाइंड टू फॉर हिज फॉर दिस कॉज. अब बात को समझना, सेंटेंस क्या बोल रहा है? द एक्टिविस्ट इज वर्किंग रियली हार्ड, बहुत हार्ड काम कर रहे थे एंड डिटरमाइंड थे टू फॉर दिस कॉज. अब इस कॉज के लिए बहुत डिटरमाइंड थे. अब जब आप किसी लक्ष्य के लिए डिटरमाइंड होते हैं तो आप क्या करते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी हुई है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो आप क्या करोगे? जैसे दोस्त, आप सब लोग अकेले रहते हैं, बच्चे आजकल पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो मतलब दे विल सर्च, वो आकाश और पाताल एक कर देंगे कि भूख लगी, क्योंकि जब भूख होती है ना वो बड़ी दिक्कत वाली होती है, उस टाइम हमें कुछ नहीं समझता. ऐसे ही डिटरमाइंड होता है ना, वो शक्कर का अगर बॉक्स खोलेगा और शक्कर भी ऐसे खा लेगा, जो होगा कुछ भी खा लेगा, जो रखा होगा वही खा लेगा. तो जब मैं बता रहा हूं, जब वो डिटरमाइंड होगा उसी के लिए, तो मूव हेवन टू एंड अर्थ, वो आकाश पाताल को एक कर देगा, लेकिन उसे चाहिए जो चीज वो उसे पाकर ही रहेगा. दिस इज द फैक्ट. चलो मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ. बच्चों अगले क्वेश्चन मुझे क्या बता रहा है? जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात गया तो मेरे सामने आया, द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी ऑफ द सिटी. अब बात समझना है मुझे, यहां पर मेरा आंसर क्या होगा, बात को समझना आप लोग. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी. अब एवरी क्या? अगर कोई, हम लोग बहुत छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, तो हमारे अगर किसी इन मैटर में इन्वॉल्व होने से का पता हमसे पहले हमारे घर में चल जाता है. आई नो दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो वी ऑलवेज स्केयर्ड कि यार पापा को पता चल गया, मम्मी को पता चल गया, घर में पड़ोस में पता चल गया. तो यहाँ पर बात चल रही है एक नोइंग पर्सन, देखो द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट, उसके अरेस्ट होने का, स्प्रेड रैपिडली इन एवरी ऑफ द सिटी. क्या एवरी लाइफ एंड सोल होगा? नहीं होगा. इंस एंड आउट्स होगा? नहीं होगा. रैक एंड यून होगा? नहीं. नुक एंड कॉर्नर, हर एक जगह उसके अरेस्ट होने की पता, बात खबर चल चुकी है. चलो आगे क्वेश्चन की बात करता हूं. क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम. आई बैग्ड हिम टू रिकंसीडर. मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आई बैग्ड हिम टू रिकंसीडर. I begged him to reconsider by my application, but he put his foot down. Put his foot down. आप इतना सा ध्यान रखिएगा my dear every student. अब down का मतलब जो होता है, down जो होता है वो नीचे लेकर आता है, ठीक है. Stamped his foot down, ना. Agreed to reconsider, स्वीकार तो करना नहीं. Did not run तो बिल्कुल ही नहीं हुआ. Stamped his foot down, ना ना. तो आई बैग्ड हिम टू रिकंसीडर, मैंने उनसे बहुत विनती की कि मेरी एप्लीकेशन को रिकंसीडर करें, बट ही पुट हिज फुट डाउन, उसे नीचे फेंक दिया. तो मतलब क्या हुआ? उसने मना कर दिया. तो रिफ्यूज टू यील्ड इज द राइट आंसर. दिस इज द राइट आंसर. चलो फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ. चले क्वेश्चन पढ़े आप लोग, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग. APJ Abdul Kalam's house located on Mosque Street was within the reach of famous temple of Rameshwaram was just a dash from it. अब क्वेश्चन मुझे ये बता रहा है, अब्दुल कलाम जी का जो घर था वो मॉस्क स्ट्रीट में विदिन द रीच ऑफ फेमस टेम्पल रामेश्वरम का, जो फेमस टेम्पल उससे कहाँ था? जस्ट फ्रॉम इट.
अब जस्ट फ्रॉम इट की बात करें, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ना टू आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ एट वंस फिंगर टिप, ऐसे फिंगर टिप ना ना ना, ऐसे पत्थर फेंका और घर आ गया। तो क्या मतलब हुआ, उनका घर बहुत फास्ट था, तो अ स्टोन्स थ्रो अवे, इतने पास था उनका। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारे पास होता है तो हम उसे बोल सकते इट इज एट स्टोन्स थ्रो, इट इज एट स्टोन्स थ्रो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई मीन? सी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, चलो फटाफट से देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए, डू इट फास्ट। डाउन द ट्यूब्स व्हाट डू यू मीनिंग बाय डाउन द ट्यूब्स? अब बच्चों देखो, डाउन द ट्यूब्स का मतलब मैंने आपको बताया था, डाउन फिर से आया हमारे सामने, तो हमें डाउन का मतलब समझना है कि डाउन का मतलब होता है नीचे आना, नेगेटिव सेंस में आता है, तो फेलिंग कंप्लीटली, फेलिंग कंप्लीटली। आप समझिएगा, इतनी idiom and phrases हम लोग कर लेंगे कि पेपर में जैसे ही आएगा वैसे ही हम करेक्शन की ओर जा पाए। नेक्स्ट की बात करते, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Someone's heart is in the right place. इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए आप। SSC CGL 8 12 2022 में आया था ये। अब suddenly feel excited or frightened that if someone's heart is the right place. There are so many persons, देखो अब बच्चों समझो इस बात को, there are so many persons in our lives, they are not very easy and easy approaching and comfortable for us, but still they are very important for us because they always protects us, they always saves us, they always you know that वो कड़वा भी बोलते हैं तो अच्छे के लिए बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा someone is good even if they sometimes behave in a wrong manner. तो मैंने उसके लिए कहा someone's heart is the right place, someone's heart is the, you are the one whose heart is the right place. आप कितने ही गलत बोलो, आप मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे। Like parents, parents से कैसा, मतलब parents like a kind of you know that passenger of God, messenger of God, messenger of God in our life, जो हमारे होने से पहले और हमारे मतलब जब तक उनका रहता है, हमारे जन्म से पहले और उनकी मृत्यु से पूर्व, सब कुछ हमारे बारे में ही सोचते हैं और हमारे बारे में सदैव अच्छा ही सोचते हैं। तो वी कैन यूज दिस फ्रेज someone's heart is the right place. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। अब ऑन क्लाउड नाइन, अब बड़ा प्यारा है, ऑन क्लाउड नाइन मुझे क्या बता रहा है? ऑन क्लाउड नाइन, व्हेन आई एम वेरी हैप्पी, व्हेन आई एम वेरी जॉयस ओकेशन, व्हेन आई गॉट सक्सेस, व्हेन आई जब भी मेरे को सब कुछ मिल जाए जो मुझे चाहिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा खुश होना। कहा गया बहुत ज्यादा खुश, वेरी हैप्पी, दिस इज द राइट आंसर। प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। देर आर सो मैनी पर्सन, दे ऑलवेज प्ले इट बाय ईयर, मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते जो हमेशा विदाउट किसी प्रिपरेशन के ही यू नो तैयारी करने लगते हैं, एग्जाम देते हैं, तो दे ऑलवेज प्ले इट बाय ईयर, समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट की बात करूंगा, 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज, मतलब 20, हम 50 से चालू किया था और हम कहां तक करेंगे, 50 से चालू करने के बाद हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ। आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, दीज मे कम्स इन हैंडी, दीज मे कम्स इन हैंडी। अब बात को समझना, कम्स इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब जब मैं कोई एक्स्ट्रा सामान लेकर आया हूं और बहुत यूजफुल है, देयर इज नो नीड टू थ्रो इट अवे, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन से दैट दीज मे कम इन हैंडी। अब हैंडी का मतलब क्या, वो यूज में आ जाएंगे, बी यूजफुल, इसका मतलब क्या हुआ, बी यूजफुल। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं, मेरा अगला क्वेश्चन मुझे क्या बता रहा है, पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन है, वन हैज टू परसिस्ट इन स्टडीज इफ ही शी वांट्स टू गेट हिज एंड हर ड्रीम जॉब, सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल इफ वन स्टडीज। अब देखो, अगर हमें अपनी स्टडीज को, अपने ड्रीम जॉब को पाना है, सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल इफ यू हैव वन स्टडीज, सक्सेस तो हमें मिलना ही नहीं है। कब नहीं मिलेगी, जब हम काम को बिना किसी नियम से,
किसी भी तरीके से करना चालू करेंगे, तो तब अगर हम छोटा सा नियम भी बनाते हैं तो क्या करेंगे, वो नियम हमें काम करता है, वो फलीभूत होता है वो नियम। बट अब इफ यू स्टार्ट स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इज द राइट आंसर, डी आंसर इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है कभी चालू कभी बंद, कोई प्लानिंग नहीं, प्रॉपर कुछ भी नहीं, फिट्स एंड स्टार्ट इसका मतलब होगा। चलें आगे बढ़े हम लोग। आई शुड गो अहेड, चलिए नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं। कजल वंस माइंड का मतलब क्या हुआ, देखो ये मैं करवा चुका हूं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। टू थिंक हार्ड बहुत ज्यादा सोचना किसी बारे में और फोकस करना, फोकस्ड सोचना। अगले पे आ रहा हूं। अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड इन द टाइम्स ऑफ एक्सिजेंसी। सेल्फिश फ्रेंड, आप तो बस इतना याद रखो, कल मैंने करवाया था आपको फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हुआ एक स्वार्थी मित्र। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो मैं आगे बढ़ू, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, टू टेक समथिंग, टेक समथिंग एट द फेस वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, accept something as it looks without thinking about whether it might in fact not quite what is appear. Up to take something at face value, up whenever you buy something the way of you can know that online shopping, चलो ऑनलाइन शॉपिंग का अच्छा सा एग्जांपल है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट को कैसे परचेज करते हैं, देयर इज नो यू नो दैट यू कैन नॉट फील द टेक्सचर, यू कैन नॉट फील द टेस्ट, यू कैन नॉट फील द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बट यू पे बिकॉज द फेस वैल्यू, आप उस फेस वैल्यू का पे कर देते हैं जो आप उसमें देखते हैं। तो मैंने देखा टू टेक समथिंग एट फेस वैल्यू का मतलब क्या, वो एक्सेप्ट समथिंग एज इट्स यू नो दैट कि उसकी फेस वैल्यू का पैसा आप उसे दे दें। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दूसरे देखते हैं। अब ये आज का इडियम एंड फ्रेजेस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं आप यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस देख रहे हैं हम प्रीवियस ईयर के। बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर को मैं बड़ा फोकस करता हूँ, जिससे क्या होगा आपका प्रीवियस ईयर जितना अच्छा होगा वैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन की बात करूं, अब स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। You have to give right answers. Question number वन क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। Question number यहाँ पर एक part जो है, चार part है question में, A, B, C और D. अब इसके एक part में कोई error है, अब उस एक part के error को हमें find करना है। मैंने A part देखा, ये C point है, ये B part है, ये D part है। I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. No error. मैं उसे 20 साल से नहीं देखा है तो मैं अब ये नहीं बोल सकता कि वो है या नहीं, ठीक। अब यहां पर एक प्रपोजिशनल एरर है। अब वो एरर ये है जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, 20 years 20 वर्ष, 20 years कोई निश्चित नहीं है, कौन सी 20 वर्ष, कौन सी 20 साल, वी कैन नॉट से ये फिक्स ड्यूरेशन वाले ये वाले 20 साल है। तो जब निश्चित नहीं होगा तो हम सिंस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम यहां पर करेंगे यूज फॉर का, क्लियर है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर जैसे आया हूं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बताता है, ये वाले को मैंने एरर को मींस हाईलाइट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। देखो अब यहां मैंने क्वेश्चन जैसे देखा, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, जब उसने किचन में कुक को नहीं पाया। अब He asked his wife, उसने उसकी पत्नी से पूछा, where had he gone? क्या यहाँ पर question mark दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? Where he had gone? This is the error in C part. Where he had gone? Error C part में है। अगर question mark दिख रहा होता तो कोई error नहीं थी। Question mark नहीं दिख रहा तो ये बड़ी error है। अब अगले question पे आते हैं। अगला question मेरे सामने है। Although I am playing cricket for more than 3 years. I am playing cricket for more than 3 years. I have not seen
not being able to score a century. I am playing cricket for more than, देखो आई हैव बीन प्लेइंग आना चाहिए था इस प्लेस पे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही गेव हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखो आप। आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। अब फिर से यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क होता तो यहां पर कुड पहले आता, ही कुड हैव गॉन, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। सेंटेंस का एक जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेंटेंस क्या बता रहा है। अब हम बात करते हैं अगले, हम 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा हम ग्रामेटिकल पार्ट को देखेंगे। By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. अब इसमें एरर को फाइंड करना है। जब दो सेंटेंसेस, जब एक सेंटेंस में दो बार पास्ट का एक्शन हो रहा है, देखो By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show had already begun. एरर किस वाले पार्ट में होना चाहिए? इस वाले पार्ट में होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? जब सेंटेंस में दो बार कोई सेंटेंस पास्ट में है, तो जो पहला पार्ट होता है वो, अब आपको ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, इस सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से देखो, अब फिर इस सेंटेंस पे थोड़ा सा काम करना। मैं आपको बता रहा हूं ये वाली बात कि यहां पर एक सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में आएगा और एक सेंटेंस जो आएगा, एक पार्ट जो आएगा पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को आपको घर पे बैठ के एक बार अच्छे से देखना कि कैसे मैं करूं, फिर मैं आपको कल जरूर इस बात को क्लियर करूंगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। तो मेरा अगला जो क्वेश्चन, देखो सेंटेंस ये तो आपको मैंने दिया ही है पहले लास्ट में। गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझसे कहा, हिज नेम आफ्टर He had आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक सेंटेंस में दो बार पास्ट आया, तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि told me बोला, तो वहाँ पर had आ गया। We have been celebrating many festivals। हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को मना रहे हैं since centuries। अब centuries कौन सी है बताओ जरा? नो शतक, कौन सी? तो यहाँ since की नहीं, for century is the right answer। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप सिर्फ को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि सेंटेंस में एरर्स को फाइंड करना है। नेक्स्ट एरर को आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। ओल्ड एज एंड इनफॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। बाय द पास द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। इस वाले एरर में, अब इस वाले आपको मैं तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें मैंने एरर को बता दिया। अब क्वेश्चन जब आप करके देखेंगे ना, एक बार लिख के और करके, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको जो भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन टॉक मी, कि कब कहां पर कौन सी एरर आती है और कैसे हम एरर को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो ये वाला हमारा प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन ये हम लोगों ने यहाँ पर किए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपना पार्ट को चेंज करते। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमें तो बहुत बेसिक, जो भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में तैयार करता हूं मैं, कि अब हमें दो पार्ट हमारे सामने आए, दो पार्ट हमारे सामने आए। हमारा जो पहला वाला पार्ट है, हमारा जो पहला पार्ट मैंने बनाया, यहाँ मैंने लिखा सिंगुलर, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लूरल। ध्यान से देखिएगा आप सारे लोग, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिंगुलर, और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या प्लूरल, यह हुआ सिंगुलर। अब सिंगुलर क्या क्या होता है, जैसे मैंने सिंगुलर की बात की तो मेरे सामने दो शब्द आए, एक तो हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक हुआ सिंगुलर वर्ब।
एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और एक क्या हुआ, एक सिंगुलर हुई हमारी वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या अंतर है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, आप समझते जाइएगा। इसी तरह क्या हुआ, प्लूरल मैंने लिख दिया यहां पर, प्लूरल मैंने यहां पर लिखा, अब प्लूरल मैंने जैसे ही प्लूरल लिखा तो फिर मेरे सामने दो ही शब्द आए। प्लूरल क्या हुआ, पहला तो प्लूरल क्या हुआ, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या हुआ, प्लूरल हुई वर्ब। अब मुझे एक बात को ध्यान रखना, ये मेरा सबसे कॉम्प्रिहेंशन या बैंकिंग या रेलवे कोई भी एग्जाम जहां पर इंग्लिश आती है उस समय आपको यह समझना बहुत जरूरी होता है कि सिंगुलर और प्लूरल का क्या भूमिका होती है। जैसे मैंने बात की यहां पर सिंगुलर वन की, तो सिंगुलर क्या हुआ बच्चों, सिंगुलर का मतलब एक हुआ, और प्लूरल क्या हुआ, प्लूरल का मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा हुआ। तो मैंने यहां देखा, मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तैयारी क्या की, मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट की तैयारी की। अब मैं बोल रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5। अब मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करता हूं, फिर सिंगुलर वर्ब की बात करता हूं। मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट की जैसे बात की, तो जो एक है वो सिंगुलर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ही, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा ही, मैंने यहां पर लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट की दिया। देख ध्यान से देखिएगा आप लोग, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आई तो मैंने सबसे पहले लिखा ही, सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरा मैंने लिखा शी, अगला सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने लिखा इट, उसके बाद अगला सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने लिखा कोई भी नाम, तो एनी नेम कर दिया। फिर मैंने लिखा कोई भी एक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, काम करने वाला एक कोई हो, तो वो हुआ क्या हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैंने कहा सिंगुलर वर्ब कौन सी है, जैसे मैं सिंगुलर वर्ब के पास पहुंचा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर वर्ब के बाद मैं जैसे ही पहुंचूंगा तो मैंने लिखा यहां पर is, फिर मैंने लिखा क्या, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, is लिखा, सिंगुलर वर्ब है, फिर मैंने लिखा was, फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने लिखा has, ठीक, फिर मैंने लिखा ये वाले सिंगुलर तो होगी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। अगला एक सिंगुलर वर्ब आता है, वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उस फर्स्ट फॉर्म में अगर हम s, es या ies लगाते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में आता है, नहीं तो क्या होगा। हम आप इस बात को समझिएगा कि मुझे सब्जेक्ट को सिंगुलर लिखना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने क्या लिखा, बॉय, मैंने सब्जेक्ट को सिंगुलर लिखा बॉय, ठीक। अगर मुझे इसे प्लूरल करना होगा तो मैं क्या ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा एस, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बॉयज, प्लूरल हो गया, ये बॉयज या सिंगुलर था, यह प्लूरल हो गया। इसी तरह मुझे क्या देखना है, मुझे एक बात देखना है, अगर मैंने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा है गो, तो अभी ये वर्ब जो है ना बच्चों, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर कब होगी, ये सिंगुलर जब होगी जब मैं इस वर्ब में क्या ऐड कर दूंगा, जब इस वर्ब में या तो मैं ऐड कर दूंगा एस, ईएस या आईएस। यहां तक की बात को समझना आप, ये मेरा था सिंगुलर और ये मेरा प्लूरल। अगर मैं सब प्लूरल की बात करता हूं, प्लूरल सब्जेक्ट की बात मैं जैसे ही करता हूं, तो मेरे सामने क्या आया, प्लूरल सब्जेक्ट की बात मैंने की तो मेरे सामने प्लूरल सब्जेक्ट आया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्लूरल सब्जेक्ट की बात की तो मेरे सामने कौन कौन से सब्जेक्ट आया। देखो आई को मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानूंगा, आई का सिंगुलर से भी कनेक्शन है और आई का प्लूरल से भी कनेक्शन है। हम देखेंगे कहां कहां आई के साथ हम क्या क्या करते हैं। अगर मैं बात करता हूं अगला प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा वी, फिर मैंने लिखा यू, फिर मैंने लिखा दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट है। और फिर मैंने और लिख दिया, अगर मैंने किसी भी नाम में एस लग जाएगा, देखो मैंने लिखा बॉय, तो बॉय में जैसे ही मैंने एस कर दिया तो यहां पर आ गया प्लूरल। तो मैं इस वर्ड को ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस एस, जिस भी नाउन में प्लस एस कर दिया तो प्लूरल हो गया। अब हम यहां पर देखते हैं प्लूरल क्या बताता है, समझिएगा ध्यान से आप लोग, अब बात को समझना थोड़ा, अब बात को समझना थोड़ा कि जब भी मैं सिंगुलर की बात करता हूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मैंने बोला
कि राम स्कूल जाता है, राम गो टू स्कूल रॉन्ग हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। अगर मैंने कहा कि वे स्कूल जाते हैं तो वे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब काम करेगा बच्चों, प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब काम करेगा। तो मेरी प्लूरल वर्ब कौन कौन सी हुई, तो मैंने प्लूरल वर्ब के लिए लिखा, मैंने लिखा सबसे पहले हैव लिखा, उसके बाद मैंने लिखा क्या, मैंने वर लिखा, उसके बाद मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा आर, फिर हमने क्या लिखा, वॉज वर आर हैव हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, ये प्लूरल वर्ब हुई। अब बात को समझना यहां पर, अब इसमें एक फॉर्म है जो सिंगुलर भी होती है जो प्लूरल भी होती है, वो मैंने लिखा हैड। हैड का यूज हम इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं, हैड का यूज हम सिंगुलर में के साथ भी करते हैं और प्लूरल के साथ भी हम हैड का यूज करते हैं। तो हमने इस हैड को इस तरीके से सिंगुलर भी आ गया, प्लूरल भी आया। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। अब एक छोटा सा सेंटेंस लिखकर हम समझ के देखते हैं। एक सेंटेंस जरा बोलो जो भी देख रहे हैं। मैंने बोला है कि मैं किताब पढ़ता हूं। देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, आई जो होगा उसके साथ हम सिंगुलर में वॉज का यूज करेंगे और इधर हम प्लूरल में हैव का यूज करेंगे। आई, देखो एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं और एक्सेप्शंस लाइफ में भी होते हैं, तो हमें उस एक्सेप्शन मतलब जो आपकी क्या रहते हैं, हम उसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन कि एक्सेप्शनल केस होता है, अपवाद, अपवाद हर जगह होते हैं, तो अपवाद को ही पेपर में अपवाद से रिलेटेड ही आता है। अब एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने सबसे पहले लिखा कि राधा गाना गाती, मैंने लिखा राधा गाना गाती, अब इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन है। मैंने जैसे लिखा राधा तो आया राधा, अब जब राधा कौन है, सिंगुलर है, एक नाम है, तो मैंने वर्ब लिखा सिंग, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको अभी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। अब मैंने राधा सिंह सॉन्ग लिखा तो मैंने सॉन्ग भी लिख लिया यहां पर। अब मैं दो ऑप्शन बताता हूं, ये दोनों गलत है, यहां पे सेंटेंस गलत है। राधा सिंग्स आएगा और लास्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहां आएगा राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अगर सेंटेंस के लास्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा अपने साथ आर्टिकल को रखता है। चलो इसकी जगह मैंने दूसरा सेंटेंस और बनाया, मैंने अभी तो राधा गाना गाती थी, अब मैंने लिख दिया कि हम गाना गाते हैं, मैंने लिखा हम गाना गाते हैं। अब जैसे ही मैंने लिखा हम गाना गाते हैं तो हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट हमारा हुआ वी, वर्ब आया सिंग, हमने लिख दिया सिंग, फिर हमने कहा गाना गाते हैं, वी सिंग सॉन्ग। अगर हम एक गाना गा रहे हैं वी सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस के लास्ट में जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो वो हमेशा अपने साथ आर्टिकल को लेती ही है। इस बात पे काफी अच्छे से फोकस करना आप लोग। तो मैंने ओवरऑल माय मोटिव इन दैट वे आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट कि आप हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मैंने बोला सिंगुलर सिंगुलर के साथ कनेक्शन किसका होगा, सिंगुलर का, ठीक, और प्लूरल के साथ क्या होगा, प्लूरल का होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चंस पेपर में जरूर से जरूर आते हैं। तो ये आपकी बात हुई कौन सी, ये बात हुई आपकी सिंगुलर एंड प्लूरल की। सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई वांट टू से यू दैट यू मस्ट वॉच रेगुलर क्लासेस, यू मस्ट बी इन क्लासेस रेगुलरली। हमारा टारगेट है इस साल कुछ करना है आपको, तो आप अपने मन को बड़ा पॉजिटिव रखें और हर दिन कुछ प्रयास करें। हर दिन प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप एक भी दिन स्किप कर देंगे तो मतलब यू नो क्या आप पिछड़ जाएंगे फिर, और जब जागो तब सवेरा, दैट इज अ फैक्ट। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, चलते हैं।